गूगल आज हामिदा बानू का डूडल बनाकर उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि आज ही के दिन 1954 में एक कुश्ती के मुकाबले ने हामिदा को अंतर्राष्ट्रीय पहलवान की पहचान दिलाई थी। उन्होंने सिर्फ 1 मिनट 54 सेकंड में बाबा पहलवान को हरा दिया था। इस हार के बाद बाबा पहलवान ने हमेशा के लिए कुश्ती छोड़ दी। बानू की उम्र उस वक्त महज 30 साल ही थी। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जन्मी हामिदा बानू उस जमाने में कुश्तीबाज बनकर उभरी जब कुश्ती को सिर्फ पुरुषों का ही खेल माना जाता था। बता दें कि आज का ये गूगल डूडल दिव्या नेगी ने बनाया है। हामिदा अपनी कुश्ती से इतनी मशहूर हुई कि उन्होंने अपनी शादी के लिए एक शर्त रखी और वो शर्त थी, मुझे हराओ और शादी कर लो। लेकिन साल 1954 में आज ही के दिन जब हामिदा ने बाबा पहलवान को अखाड़े में शिकस्त दी तो रेफरी ने ऐलान कर दिया कि कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो हामिदा को हराकर उनसे शादी कर ले। बाबा को मात देने से पहले बानू ने कुश्ती के मैदान में 2 और चैंपियन को हराया था। एक पंजाब के पटियाला का था और दूसरा कोलकाता का। और 3 मई 1954 वो दिन बना जब बानू अपनी तीसरी लड़ाई लड़ने के लिए गुजरात के वडोदरा में उतरी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बानू की लड़ाई छोटे गामा पहलवान से होनी थी, लेकिन अंतिम वक्त में गामा पहलवान ये कहते हुए पीछे हट गए कि उन्हें किसी महिला से लड़ाई नहीं लड़नी है। अब मुकाबला बाबा पहलवान और बानू का था। मुकाबला हुआ और एसोसिएट प्रेस ने 3 मई 1954 को ये खबर छापी कि मुकाबला 1 मिनट और 34 सेकंड तक चला और एक महिला पहलवान ने एक पुरुष को हराकर जीत हासिल की है और रेफरी ने उस पहलवान को बानू से शादी करने के लिए अमान्य घोषित कर दिया। बानू का वजन, उनकी हाइट, उनका खाना पीना सभी उस वक्त अखबारों की सुर्खियां बनी। बानू का वजन 108 किलोग्राम था और उनकी लंबाई 5 फीट 3 इंच थी। उनके एक दिन की डाइट 5.6 लीटर दूध, 2.8 लीटर सूप, 1.8 लीटर जूस, एक देसी मुर्गा, लगभग 1 किलो मटन और बादाम, आधा किलो मक्खन, 6 अंडे, 2 बड़ी रोटियां और 2 प्लेट बिरयानी शामिल थी। भारत में नाम कमाने के बाद हामिदा ने फैसला लिया कि वो यूरोप जाकर कुश्ती लड़ेंगी, लेकिन उनके कोच सलाम पहलवान को ये पसंद नहीं आया। बताया जाता है कि उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए उनकी खूब पिटाई की गई, हामिदा के पैर टूट गए। इसके बाद वो रेसलिंग की दुनिया में वापस नहीं लौट सकी।